यार मैं स्टेज पे ज्यादा आया नहीं हूँ, इससे पहले स्कूल में एक बार एक प्ले में चूहा बना था बस। चलो इससे पहले ओपन माइक का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा नहीं है, मतलब एक बार टैलेंट इवनिंग में करा था, वो शायद काफी लोगों को गंदा ही याद होगा। और दूसरा मैं अपने क्लास ग्रुप है ही अपना ओपन माइक तो ठीक है। आज आई विल टॉक अबाउट दिस टर्म कॉल्ड जनरल नॉलेज। मतलब जनरल नॉलेज सुन के क्या लगता है, माइक है, स्टेज है, लोग है इधर अजीब अजीब सब, जनरल नॉलेज ना। पर नहीं, आई थिंक दैट जनरल नॉलेज शुड बी रीनेम टू वास्ट एंड इनडेप्थ नॉलेज अबाउट द स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड स्लैश यूनिवर्स। आई मीन इस सब्जेक्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में भी बाउंड्रीज होती है यार। इसमें क्या मतलब, यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द थर्ड किड बाय द सेकंड हस्बैंड ऑफ द 70th इंडियन मिस यूनिवर्स। मतलब टाइम भी बता देते यार, कुंडली वुंडली निकाल लेते कुछ, ठीक है। बट जनरल अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट एंड सोशल मीडिया प्लेज अ गुड रोल इन दैट। हैशटैग्स आर द न्यू फॉरेस्ट फायर, राइट? बट इट्स नॉट अ बैड सोर्स ऑफ नॉलेज। लाइक आई थिंक लॉगिंग इन टू फेसबुक इज स्टिल बेटर देन वॉचिंग एनी हिंदी न्यूज चैनल एट 2 PM, बिकॉज एट 2 PM द ओनली थिंग यू गेट इज साज बहु और साजेश with slight variations in the name in each channel. During the time when Britain left the European Union, my Facebook feed was filled with Brexit, EU. Like the last time I heard EU so many times, I was listening to the song Baby Doll. I don't know how many of you know about this, but there was a recent Kareena Kapoor, Ali Khan Patodi and Saif Ali Khan Patodi had a kid. They named their kid Timur. And the people were pissed off, not by the length of the name, but because Timur was a tyrant, they were, I don't know why. I had just one complaint, like, mera pura FB news feed meri history textbook jaisa lag raha tha. Yaar, tum log ek naam pe kyun ruk gaye? Matlab, do char naam aur kar lete, history ki knowledge badh jati. Kyunki hum engineers ki history ki knowledge bahut bekar hoti hai. Matlab, yaad karna to kuch hota nahi hai. ठीक है, मतलब मेरे SSC की एग्जाम से एक दिन पहले मैं पढ़ना शुरू करता था और 3 मिनट पहले सब भूल जाता था, लास्ट के 3 मिनट में इनर्शिया से लिख देता था। सो हाउ मेनी ऑफ यू लव टू ट्रैवल? ट्रैवलिंग इज गुड, ट्रैवलिंग इज हेल्दी, स्पेशली इफ यू हैव फ्लाइट थ्रू मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट इज ह्यूज, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट मुंबई एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिडंट से दैट, सो आई थिंक इट्स ट्रू। एंड what you don't know is that it's also Asia's biggest jogging track. I mean Mangalore airport chota sa hai yaar, matlab wahan pe announcement hoti hai yaar, matlab subah subah flight announcer bolte hai proceed for chicken, bhookha hua yaar subah subah ki job hai, theek hai. But Mumbai airport is a silent airport for obvious reasons, matlab tak chuke honge announcement tak pahunchte. मुंबई एयरपोर्ट पे मुझे फ्लाइट चेंज करना होता है तो पहली फ्लाइट से लेके दूसरी फ्लाइट तक चढ़ने में मेरा तो ठीक है, मेरे हैंडबैग का वेट लॉस हो जाता है। व्हेनेवर आई ट्रैवल आई कीप ईयरफोन्स विद मी, नॉट बिकॉज आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक बट बिकॉज अनटैंगलिंग ईयरफोन्स इज अ रियल स्पोर्ट एंड इट्स अ ग्रेट टाइम पास। आई डोंट नीड टू बाय अ रूबिक्स क्यूब, माय फेवरेट ऑथर इज HC वर्मा एंड डेस्नी कैलिडे। I like their works on friction and non-friction. But my favorite teacher is Salman Khan, especially his 3-minute long video on low pass filters. It's called Baby Cook Base Pasand Hai. And how many of you watch TV series? Yeah. GOT fans? GOT wale matlab kya naye season ki kya baat karte hain, har season mein to winter hi aati hai. Acha ठीक है, मैं नोएडा से हूँ, लोग अपने गांव की मिट्टी की बात करते हैं यार, हमारी मिट्टी में खुशबू नहीं है यार, मतलब गांव की मिट्टी की खुशबू की बात करते हैं, हमारे बदबू आती है बस, वहां पे नदियां और झीले नहीं, नाले और कीड़े हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट कोई डिलीवर नहीं करता 10,000 से ऊपर, लोग उठा के घर में बंद कर देते, मारपीट कर देते, मैं नहीं करता स्नैपडील से। वहां पे मतलब पिज्जा तक की रॉबरी हो जाती है यार, पिज्जा की मतलब हम लोग फूड कोर्ट का खाना खाते हैं तब भी पिज्जा चोरी नहीं करा आज तक, इतना बात नहीं। अच्छा, द ओनली रीजन आई लाइक दिल्ली और नोएडा इज बिकॉज वी हैव अ मार्केट कॉल्ड लाजपत राय मार्केट विच इज वेरी क्लोज टू चांदनी चौक एंड दे सेल चीप इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ चांदनी चौक टू चाइना।
वेकेशंस खत्म, कॉलेज वापस। अभी डर था कि कॉलेज खत्म होके घर वापस ना आना पड़े। तो सिक्स सेम में मतलब बाकी लोगों को सीवी की चिंता होती है, स्टार्टअप वालों को वीसी की चिंता होती है, सबको अपनी अपनी चिंता होती है। प्लेसमेंट सीजन में मतलब सबसे अच्छा सीएसई वालों को होता है, चिल सीन्स एंड इंजीनियरिंग।